नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। पुलिस नहीं कर रही पूर्व ब्लॉक प्रमुख की सुरक्षा लगाई गुहार। सुरक्षा के नाम पर तैनात है दो पुलिसकर्मी। प्रमुख ने बताया कि नहीं कर रहे कर्तव्यों का पालन। थाना मोहनगंज पुलिस बीते 6 महीने से पूर्व ब्लॉक प्रमुख की सुरक्षा कागजों पर कर रही है। सपा नेत्री की सुरक्षा व्यवस्था में जिन दो पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है वह अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने पुलिस महकमे की पोल खोलते हुए आला अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत जनापुर में बीते पंचायत चुनाव में मतपेटी लूट और भारी बवाल के बाद तिलोई की पूर्व ब्लॉक प्रमुख तमीम फातिमा की सुरक्षा में पुलिस प्रशासन द्वारा दो पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख तमीम फातिमा पत्नी नूर मोहम्मद ने बुधवार को शाम स्थित अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन की कलई खोली। पूर्व ब्लॉक प्रमुख तमीम फातिमा ने कहा कि वर्तमान में तिलोई विधानसभा क्षेत्र से मैं समाजवादी पार्टी से टिकट की प्रबल दावेदार हूं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने पुलिस कर्मियों द्वारा दायित्व के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी के साथ ही पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तमीम फातिमा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। आपका जो है भावी प्रत्याशी है, किस विधानसभा से हैं आप? तिलोई विधानसभा 178 से भावी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से। क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य है क्षेत्र का विकास करना। जिस तरह से मैं ब्लॉक प्रमुख के पद पे रहकर तिलोई ब्लॉक का विकास किया है, उस तरह से मैं तीनों ब्लॉक यानी कि तिलोई विधानसभा का विकास करना चाहती हूँ, अगर टिकट मिलता है। सुरक्षा को लेकर क्या दिक्कतें आ रही है? सुरक्षा मेरी कागजों पे दी जा रही है, मुझे नहीं मिली आज तक, जबकि कई बार मुझे दिक्कतें आई है, मेरी जान को खतरा रहता है। मैम, कौन से थाने से आपको सुरक्षा मिली थी? मोहनगंज से। कब से मिली थी सुरक्षा? 3 महीने हो चुके। ये कोई चुनावी रंजिश थी, के वजह उसके थी या? अब ये शासन प्रशासन जान सकता है, मुझे तो कोई। तो 3 महीने से अब तक कोई सुरक्षा आपके घर मौजूद नहीं? नहीं, मेरे घर कभी नहीं गई। कभी नहीं आया? हाँ। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? हाँ, कई जगह। जैसे? जैसे मैं एसपी डीएम सबको बता चुकी हूँ। इसकी जानकारी आपको कैसे मिली कि आपके जो है वहाँ से रवानगी हो रही है? जन सूचना के तहत। तो जन सूचना के तहत आपको जानकारी हुई है? जी। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।